मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक। रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है अहमदाबाद का। ग्रुप डी डीवी वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है, कॉल लेटर का लोअर पर्सन नहीं है, ये करे तो आपका डीवी होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है बात है। ज़्यादा ना समय लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसमें जो सेकेंड का ए है, लोअर पर्सन ऑफ कॉल लेटर इश्यूड टू कैंडिडेट्स ड्यूरिंग CVT एंड PET, PWD कैंडिडेट्स विल ब्रिंग लोअर पर्सन कॉल लेटर ऑफ CVT। इसमें बोला जा रहा है कि CVT और PET का जो लोअर पर्सन है कॉल लेटर का, वो आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और साथ में ही इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें बोला जा रहा है कि आपका जो है FIR का कॉपी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एक पॉइंट जो है, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलॉटेड टू इंटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन CVT एंड PET कॉल लेटर इन ओरिजिनल। प्रिजर्व द कॉल लेटर केयरफुली एज नो फोटोकॉपी ऑफ FIR फॉर लॉसेस विल बी इंटरटेन एज ए सब्स्टिट्यूट। दिस कॉल लेटर इज नॉट ट्रांसफरेबल। आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें बोला गया है कि जो FIR की कॉपी है और एफिडेविट भी इन केस, तो वो जो है फोटोकॉपी या ओरिजिनल वो मान नहीं होगा। साथ ही आपको बताएं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि अभी जो 12 और 13 को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो रहे हैं स्टूडेंट के, उनसे जो रिव्यू आया है कि जो जिनके पास लोअर पर्सन जो है एडमिट कार्ड का नहीं है, उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जा रहा है, और जिनके पास है उनका एंट्री करा दिया जा रहा है। जिनको लाइन में खड़ा कर दिया जा रहा है जिनके पास लोअर पर्सन एडमिट कार्ड का नहीं है, उनसे या तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है RRC वो फिलअप करवा रही है, नहीं तो जिनके पास FIR का कॉपी है, जिनके पास एफिडेविट है, उनको भी एंट्री हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। इसीलिए आप सभी को मैं बता दूं कि जिनका भी डेट है वो FIR का कॉपी ले सकते हैं या ओरिजिनल भी रखें अपने रेफरेंस के लिए, साथ एफिडेविट जो है वो सिविल कोर्ट से वो भी बनवा लें। इन केस आपके पास दोनों नहीं है तो वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिलअप करवा के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। ये मत सोचिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपके पास नहीं है। अभी जो 13 और 14 को हुआ, जो स्टूडेंट के तरफ से रिव्यू आया था अहमदाबाद के लिए, वहाँ हो रहा था कि जिनके पास लोअर पर्सन नहीं था एडमिट कार्ड का, उनको बाहर कर दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है स्टूडेंट से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको लिया जा रहा है। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जोन का अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि सभी बोर्ड में आपको लोअर पर्सन के लिए बोला ही जाए। किसी जोन ने ID प्रूफ के लिए जो है ओनली आधार कार्ड को मैंडेटरी बताया है, जबकि किसी और जोन ने, ये आपको मैं कोलकाता का दिखा रहा हूँ, इसका सब्स्टिट्यूट भी दिया है। आधार कार्ड नहीं है आपके पास इनके, तो वोटर ID भी आप जमा कर सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। इसी तरह सभी बोर्ड ने अभी कंपलसरी नहीं किया है कि आपको लोअर पर्सन एडमिट कार्ड का देना है या नहीं देना है। RRB के साइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर प्लस एक मेल ID आता है, अगर आप मेल करना चाहते हो तो मेल कर सकते हैं। साथ में नंबर है उस पे कॉल करके आप कंफर्म हो लेंगे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इन केस ऐसा होता तो मुझे आप बता दें कि इसका ऑप्शन क्या है, इसका सलूशन क्या, तो वो आपको गाइड कर देंगे। इन केस आपके पास कोई और कन्फ्यूजन हो या इन केस आप नहीं कॉन्टैक्ट पा रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करूँगा, कोऑर्डिनेट करूँगा। इन केस आप नहीं भी बात कर सकते हैं तो मैं उस जोन से बात करके फिर आपको मैं रिप्लाई उस जोन से मैं बात करके आपको बताऊँगा कि इसका सलूशन क्या है, आपका होगा या नहीं होगा, उनका जो आंसर आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।